नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके बाद पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी है, जिसके बाद अब 24 सितंबर को पहले चरण के मतदान का आयोजन होने वाला है। इन सब के बीच अब पंचायत चुनाव में जुटे चुनाव कर्मियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। चूंकि यह कोरोना का माहौल है और चुनाव में लाखों मतदान कर्मियों की मदद ली जानी है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायत चुनाव के माहौल में अगर मतदान कर्मी की जान कोरोना के कारण जाती है तो उनके निकटतम आश्रितों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग ने ऐलान भी कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने साफ साफ कहा है कि चुनाव के दौरान अगर मतदान कर्मियों की जान उग्रवादी घटना से भी होगी तो सहायता राशि 30 लाख ही दी जाएगी, साथ ही अन्य किसी वजह से चुनाव के दौरान जान जाने पर सहायता राशि 15 लाख रुपए दी जाएगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनाव कोई भी हो, असामाजिक तत्वों के कारण स्थिति बिगड़ ही जाती है, ऐसे में कई लोगों की जान भी जाने की खबरें लगातार सामने आती रही है। ऐसे में बिहार सरकार की माने तो अगर उग्रवादी या हिंसात्मक कार्रवाई जैसे रोड माइंस, सशस्त्र आक्रमण के दौरान कर्मचारियों की जान जाती है तो भी मतदान कर्मियों को सरकार 30 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं स्थायी विकलांगता पर 7.5 लाख रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें, वर्तमान में बिहार समेत पूरा विश्व कोरोना की मार का सामना कर रहा है, ऐसे में गांव की सरकार बनाने की कवायद बिहार में शुरू हो गई है, जिसके तहत ही ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों के पदों के लिए चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। 24 सितंबर से चुनाव के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो कि दिसंबर महीने तक जारी रहेगी। हालांकि कोरोना और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन 11 चरणों में होने वाला है, जिसके लिए कुल मिलाकर 1,20,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और चुनाव का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आयोजित करवाया जाएगा। इसको लेकर लगातार तैयारियां जारी है। हालांकि तैयारियों के बीच बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ज्ञात हो, पंचायत चुनाव का आयोजन इस साल के शुरुआत में ही होने वाला था, हालांकि पहले राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर फंसे मामले के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर नहीं हो पाया, जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनाव को स्थगित करना ही आयोग के सामने एक आखिरी विकल्प बचा। हालांकि इस बार अपनी पिछली भूल से सीखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही ईवीएम से जुड़े मुद्दे को सुलझा लिया है, साथ ही कोरोना के माहौल में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसे चुनाव का आयोजन करवाया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। इन सब के बीच बाढ़ बिहार में एक बड़ी समस्या वर्तमान समय में है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा है कि चुनाव का आयोजन इसी तरीके से करवाया जाए कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग भी चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में बाढ़ प्रभावित इलाकों को अंतिम चरणों में रखा है, ताकि चुनाव की तारीख नजदीक आते आते तक बाढ़ से लोगों को निजात मिल जाए और लोग चुनाव का हिस्सा बन सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।